भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जी हाँ, यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। भारत रत्न की स्थापना 1954 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न प्रदान किया गया था। 2024 में 5 बड़े पुरुषों को भारत रत्न देने की घोषणा की है। इनमें पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे लाल कृष्ण अडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन। पूर्व में मुख्यमंत्री रहे कपूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की है। इन पांचों पुरुषों ने क्या कुछ देश व समाज के लिए योगदान दिया है, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले श्री लाल कृष्ण अडवाणी के बारे में बता दें। भारत रत्न देने की घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। पूर्व में उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी अटल की सरकार में रह चुके हैं। तीसरे ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। राम मंदिर का आंदोलन में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। 1990 में जब सोमनाथ से राम रथ लेकर वे अयोध्या की तरफ गए, तो बीच में महाराष्ट्र और गुजरात के कॉरिडोर के लिए नरेंद्र मोदी को संयोजक बनाया गया था। एक तरीके से कह सकते हैं कि राम लहर लाने का कार्य लाल कृष्ण अडवाणी ने किया था, जिसकी बदौलत अयोध्या में आज राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। लाल कृष्ण अडवाणी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा को आर पार के आंदोलन में बदलने का काम किया। और अडवाणी जी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की सेवा में जीवन खपाया है। अडवाणी ने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को आगे बढ़ाने की दिशा में अद्वितीय प्रयास किया है। पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में और दशकों तक एक निष्ठावान, जागरूक सांसद के रूप में आदरणीय अडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है। अडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा कि लाल कृष्ण अडवाणी जी का स्नेह, उनका मार्गदर्शन मुझे निरंतर मिलता रहा है। मैं आदरणीय अडवाणी जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी पूर्व में प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था, मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी। बचपन में ही इनके मन में गांव, गरीब और किसानों के शोषण के खिलाफ संघर्ष का विचार पैदा हुआ था। कॉलेज पढ़ाई में किसानों के मुद्दों पर अपनी आवाज को मुखरता से उठाना शुरू किया था। 1962 व 1963 में वे कृषि मंत्री व वन मंत्री रहे। 1967 में यूपी के मुख्यमंत्री की शपथ ली। 1970 में फिर से वे मुख्यमंत्री बने थे। 1974 में लोक दल का गठन किया था, लेकिन आपातकाल लागू होने के कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, ये जेल भी गए थे। 1979 में वित्त मंत्री व उप प्रधानमंत्री के रूप में नाबार्ड की स्थापना की। 28 जुलाई 1979 में चरण सिंह समाजवादी पार्टी व कांग्रेस यू के समर्थन से प्रधानमंत्री भी बने। उनके पुत्र अजीत सिंह थे और उनके जो पोते हैं वो जैन चौधरी है, जो अब भी लोकदल पार्टी के तहत चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश में कूदते रहते हैं। चौधरी चरण सिंह को
भारत रत्न देना कहीं ना कहीं किसानों को समर्पित कहा जा सकता है, क्योंकि उनके जन्मदिवस के अवसर पर ही किसान दिवस भी मनाया जाता है। अब है पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, कांग्रेस के नेता रहे, वह पूर्व में प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जन्म हुआ था 28 जून 1921 को, मृत्यु हुई 23 दिसंबर 2004 को। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। राजीव गांधी की हत्या के बाद पीएम बने। राजनीति के अलावा कला, संगीत व साहित्य में अच्छी समझ थी। कई भाषाएं भी उन्हें आती थी। इनके कार्यकाल में ही एपीजे अब्दुल कलाम ने परमाणु परीक्षण पर जोर दिया था, लेकिन 1996 में आम चुनाव के कारण यह प्रशिक्षण संभव नहीं हो पाया था। तो नरसिम्हा राव भी देश के लिए अपूर्ण योगदान दे चुके हैं, जिसकी बदौलत उन्हें भारत रत्न के तहत नवाजा जा रहा है। फिर है कर्पूरी ठाकुर, जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 को, मृत्यु हुई 17 फरवरी 1988 को। ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिक तथा बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री तथा 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका राजनीतिक दल की बात करें तो सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय क्रांति दल, जनता पार्टी थी। वे जननायक कहलाते थे। कर्पूरी ठाकुर सदैव दलित, शोषित व वंचित वर्ग के उत्थान के प्रगतिशील रहे व संघर्ष करते रहे। उनका सादा जीवन, सरल स्वभाव व स्पष्ट विचार व अदम्य इच्छा शक्ति बरबस लोगों को प्रभावित करती थी। बिहार की प्रगति पथ पर लाने, विकास की गति देने में अपूर्ण योगदान रहा है। उनके 4 प्रमुख कार्यक्रम रहे। 1, पिछड़े वर्ग का ध्रुवीकरण। 2, हिंदी का प्रचार प्रसार। 3, समाजवादी विचारधारा। 4, कृषि का सही लाभ किसानों को मिले। इन गतिविधियों के तहत आगे बढ़े कर्पूरी ठाकुर के इस योगदान के कारण उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न जैसे अमूल्य सर्वोच्च पुरस्कार के तहत नवाजा गया है। कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के प्रतीक महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है, और वो भी ऐसे समय में जब हम उनकी जन्मशती मना रहे हैं। ये प्रतिष्ठित सम्मान हाशिए पर पड़े लोगों के लिए एक चैंपियन और समानता और सशक्तिकरण के समर्थक के रूप में उनके स्थायी प्रयासों का एक प्रमाण है। दलितों के उत्थान के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ये पुरस्कार न केवल उनके उल्लेखनीय योगदान का सम्मान करता है, बल्कि हमें एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज बनाने के उनके मिशन को जारी रखने के लिए भी प्रेरित करता है। फिर है 5वें महापुरुष एमएस स्वामीनाथन, जिन्हें भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सुशोभित किया गया है। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था, मृत्यु 28 सितंबर 2023 को हुई थी। भारत के अनुवासिक विज्ञानी थे, जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक भी माना जाता था। 1966 में मेक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। उन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिक क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1972 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत ज़्यादा उपज देने वाले गेहूं चावल के बीज गरीब किसान के खेतों में लगाए गए थे। इस क्रांति ने भारत को दुनिया में खाद्यान्न की सर्वाधिक कमी वाले देश के कलंक से उभार कर 25 वर्ष से कम समय में आत्मनिर्भर बना दिया था। उस समय से भारत के कृषि पुनर्जागरण ने स्वामीनाथन को कृषि क्रांति आंदोलन के वैज्ञानिक नेता के रूप में ख्याति दिलाई। उनके द्वारा सदाबहार क्रांति की ओर उन्मुख अवलंबनीय कृषि की वकालत ने उन्हें अवलंबनीय खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में विश्व नेता का दर्जा दिलाया। एम एस स्वामीनाथन को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1967 में पद्म श्री, 1972 में पद्म भूषण
1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये महान कृषि वैज्ञानिक थे। इनका निधन 98 वर्ष की अवस्था में बीमारी के कारण अपने आवास चेन्नई में हो गया। उनको विभिन्न प्रकार के पुरस्कार मिले, जिनमें 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए मैग्सेसे पुरस्कार, 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस पुरस्कार, 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार, 1991 में अमेरिका में टाइलर पुरस्कार, 1994 में पर्यावरण तकनीक के लिए जापान का होंडा पुरस्कार, 1997 में फ्रांस का ऑर्डर टू मेरिट एग्रीकोल यानी कृषि में योग्यता क्रम, 1998 में मिसूरी बोटनिकल गार्डन जो अमेरिका का हेनरी शो पदक भी दिया गया, 1999 में वोल्वो इंटरनेशनल एनवायरमेंट पुरस्कार दिया गया, 1999 में यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने एम एस स्वामीनाथन को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 2024 में अब इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। तो ये था 2024 में जिन 5 महापुरुषों को भारत रत्न से नवाजा गया है उनके द्वारा किए गए देश के लिए अमूल्य कार्यों का विवरण था। आपका इस विषय में क्या कहना है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगली बार भारत सरकार किस महापुरुष को भारत रत्न देना चाहिए। कमेंट करके